ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुज्ञान। सो ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुज्ञान। ओके आम टॉप 500 एमसीक्यू करुचे फॉर ओपीएससी प्रीलिम्स, सो विच इज गोइंग टू बी कमेंट्स ऑन अक्टोबर 15 ऑफ दिस मंथ, सॉरी अक्टोबर 15, राइट। सो ओके जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी चेक वेदर आई एम प्रॉपरली ऑडिबल और नॉट। राइट ओके ठीक बढ़िया, साउंड इज क्लियर, विजिबिलिटी इज ओके ओके ठीक अच्छे। सो टुडे बेसिकली दिस विल बी द पार्ट 3 ऑफ आर क्लास, राइट। आम ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 कर सारे, जो मैंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 देखी ना, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज गो एंड वॉच दैट क्लास। ओके दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू सीट इन द एग्जामिनेशन ऑन अक्टोबर 15, राइट। ओके बुझी हो, ऑलरेडी मुझे सारी, वेलकम एवरीवन, जो मैंने भी क्लास जॉइन कर वेलकम टू ऑल। ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई हैव ए वेरी बिग अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस, आ बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट अच्छी देखा आप देख। एक्चुअली दिस इज द बुक। ओके बुकटा कौन, ओपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिम्स बुस्टर का बुकटा। ओके कौन प्रिलिम्स बुस्टर, जो मैंने भी प्रिलिम्स दौरान दिस बुक हैज बीन स्पेशली डिजाइन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। प्रिलिम्स जीएस वन कौन फीचर्स पाइपर सर, ये कौन ये आप लास्ट 5 वर्ष स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 जिते भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारक अच्छी टॉपिक वाइज कैटेगराइज वाइज सब्जेक्ट वाइज सबको आपको आर एक्सप्लेनेशन आपड़े पारे सोल्यूशन अच्छी एक्सप्लेनेशन अच्छी। अपार्ट फ्रॉम दैट आउ गोटे बढ़िया जिनस होगा 10 आप कौन अच्छी 10 प्रैक्टिस टेस्ट अच्छे ये बुझीपारे, जमी ओडा हिस्ट्री को लेकिन ओडा जोग्राफी ओडा इकोनोमी ओडा करेंट अफेयर्स ओडा पॉलिटी एव्रीथिंग हैज बीन इनक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर बुक देखुंत बुकटा। ओके आउ गोटे कौन बढ़िया जिनस कहे ये आपको 10 ओएमआर सीट फ्रीली प्रोवाइड करा बुक रे बुझे, ओएमआर सेट आप क्वेश्चन देखिए ये आप निजे प्राक्टिस करेंगे, आपको लिटरल फील हो कि यू हैव परचेज ए टेस्ट सीरीज बुझे। ओके राइट सो जदि आप इफ यू आर इन भुवनेश्वर तो आपड़ा ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट बुक स्टोर अवेल करेंगे, अदरवाइज यू कैन कम टू द ऑफिस डायरेक्टली जोटा कि आप सीआरपी अच्छे बुझे। ओके सो प्लीज जदि देखु बहुत मेहनत रे बुकटा डिजाइन कराई बहुत कष्ट डिजाइन कराई आप देखिपारे बहुत ही बढ़िया अच्छे एक्सप्लेनेशन अच्छी इच एंड एव्री टॉपिक हैज बीन कवर्ड बुझी हो। आई कैन एश्योर कि जदि आप यहाँ करते देन यू डोंट नीड एनी लाइक आप दरकार न पड़ आप टेस्ट सीरीज न कले भी हम बट यू हैव टू एनश्योर दैट कि आपको सिनसियरली बुक को पढ़े टॉपिक वाइज बुझी हो। ओके सो ए बुकटा देखते जदि आप दरकार देन प्लीज आसिक आप यू नहीं पारे अदरवाइज अलग अलग बुक स्टोर भी अवेलेबल अच्छे। ओके ठीक अच्छे राइट एनीवे देख क्लास स्टार्ट करिबा आमे। हला क्लास स्टार्ट करिबा समस्त अच्छ चार्ट जस्ट टिके जणे दियो मते, आई आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक द क्लास मोर इंटरेक्टिव, जहाँ व्हाट एवर डाउट्स यू आर हैविंग प्लीज डू आस्क मी हियर, क्लास कॉल टिके इंटरेक्टिव करिबा। ओके एनीवे देख फर्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे जीवा बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग बेसिकली आपनको प्रीलिम्स पाई। हला फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ सरना मैम, ओके व्हिच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइन्स ग्लोबल 20, गोटे इनिशिएटिव अच्छी तार ना है ग्लोबल 200, वेरी सॉरी 20 कहूँ ग्लोबल 200 बुझे, देयर इज अ इनिशिएटिव, देयर इज एन इनिशिएटिव तार ना है ग्लोबल 200, तो ग्लोबल 200 की नहीं कि कोई स्टेटमेंट आम देखा एन एनुअल लिस्ट ऑफ टॉप रैंकिंग 200 कंपनीज रिलीज बाय फोर्ब्स मैगजीन। ओके देखिबा कौन एटा ना नहीं। ओके नेक्स्ट कौन दे लिस्ट ऑफ 200 वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज बाय यूनेस्को। ओके वेल एंड गुड, लिस्ट ऑफ 20 सिटीज व्हिच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस। ओके ठीक अच्छे देखिबा, लिस्ट ऑफ 200 इको रीजन्स आइडेंटिफाइड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दैट इज WWF एज प्रायोरिटीज फॉर कंजर्वेशन। ओके बुझी हो, आंसर कर ले कमेंट बॉक्स रे। ओके कमेंट बॉक्स रे आंसर करंतु, जदि क्लास भल लागछि प्लीज डू शेयर। ओके शेयर करंतु लाइक करंतु, जदि भल न लागछि देन आपन डिसलाइक ऑप्शन भी अछि आपन डिसलाइक करि परबे नो इश्यूज, एंड व्हाट एवर क्वेरीज यू आर हैविंग प्लीज राइट टू दोस क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स बुझी हो। ओके तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्लोबल 200 बुझी हो, तो ग्लोबल 200 कौन सर, इट इज अ लिस्ट ऑफ 20 इको रीजन्स आइडेंटिफाइड बाय द आपनकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड काहेकि फॉर देयर कंजर्वेशन, फॉर देयर कंजर्वेशन बहुत इंपोर्टेंट आपको मुझे हाईली रेट करी बुझी हो।
गॉट दैट ओके। तो आम कौन तो जिते भी इंपोर्टेंट रीजन इको रीजन सारक अच्छे कि इकोलॉजिकल रीजन सारक अच्छे आम कौन कहे ग्लोबल 200 अंडर रे इनिशिएटिव किए नहीं आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नहीं कहीं बिकज दे रिक्वायर कंजर्वेशन कंजर्व करने ये इनिशिएटिवटा निहि बुझी ओके। नेक्स्ट देख बुझी कहीं बिकज कहीं देखो आमि कर द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द क्रिटिकल और एंडेंजर्ड वल्नरेबल रिलेटिवली स्टेबल और इंटैक्ट आर एसाइन टू इच रीजन। तो जिते भी रीजन आरक अच्छी कंजर्वेशन स्टेटस अनुसार कौन तक कंजर्वेशन स्टेटस दिज्वे केमी इकोलोजिकल स्टेटस अनुसार कौन कि जो जो इकोलोजिकल रीजनटा अच्छे जो डिस्कसन करते एक्सप्लोइटेड होता ओके के कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस दिज्वे जमी कौन क्रिटिकल स्टेटस दिज्वे कि एंडेजर्ड भी कहे तो अधिक प्रायोरीटी दरकार वल्नरेबल टी कम प्रायोरीटी दरकार रिलेटिवली स्टेबल आउट की कम प्रायोरीटी दरकार ए टाइप प्रायोरीटी अनुसार कंजर्वेशन करवा कंजर्व करवा बुझेगा ओके प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ओके बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रैफिक वेरी 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 इंपोर्टेंट बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके कौन कही इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ओके। तो ये कौन ये जो ट्राफिक इनिशिएटिवटा आपको दुई जन स्टार्ट करते कौन फर्स्ट आप वर्ल्ड वाइड फंड ना यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ओके कौन कौन इट वर्क्स इन कोलाबोरेशन विद द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा आर काम कौन से बेसिकली कौन तो ये कौन कर साइट सहित मिसिक कम कर कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कौन सीआईटी साइट एटा कौन इट इज अल्सो इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन आर काम कौन आर बेसिकली काम है कि जिते भी आपंकर एंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना आजार कहते फ्लोरा मैंने तो आप जानते फौना जानते ये जो फ्लोरा फौना आजार कहते कौन एक्चुअली बेसिकली कौन तक ट्रेड हुए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री सहित जो ट्रेड हो तो से ट्रेड ट्रेड द्वारा स्पीसीज को कौन से प्रोब्लम न हो कि एनवायरमेंटल हजार न हो एनश्योर करके आप सैट तो से कौन कहते ट्राफिकटा ट्राफिक और सैट मिसिक कम करते कौन से मिलिकी कम करते। नेक्स्ट कौन कहे इट एक्ट्स टू रिस्टोर सॉरी रिड्यूस वर्ल्ड कौन वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड इलीगल ट्रेड तो आउ कौन कहे ये जो सैट ट्राफिक काम कौन तो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम आर कहूँ ताक कमेवाई कम कै आउ इलीगल ट्रेड जो होके कम फर एक्जाम्पल जमी मुझे एक्जाम्पल दे गोटे स्पेसी पेंगुलिन कौन एटा वर्ल्ड हाईएस्ट कौन इलेजिटिमेट ट्रेडिंग आप ट्रेड एनिमलटा पेंगुलिनटा बुझी होती जोड़ा आपको कौट नर्थ ईस्ट रिजन में मिले आम अरुणाचल प्रदेश वाला सिक्किम वाला रिजन में आपको चाइना में मिले कि अलग ईस्ट एशियन कंट्रीज भी पेंगुलिनटा देखा मिले बुझी होती तार एक्जामपल तो से बेसिकली कौन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबव करेक्ट कौटा करेक्ट बोली पचार तो इट इज जॉइंट एटा कौन WWW जॉइंट आंसर कहले कमेंट बॉक्स रे प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके देखो हला तो आंसर बेसिकली आरो कौन हम मुझे क्लीन करके कहे देखो एटा जॉइंट प्रोग्राम WWW अब UNEP रो नुह फर्स्ट आंसर वन इज रॉन्ग तो ऑल थ्री तो कटिगला तापरे ओके एटा साइट सहित मिसिक कम कर कहीं बिकज साइट रो से समान ऑब्जेक्टिव आरो ऑब्जेक्टिव तो मिसिक कम कले बढ़िया सिनर्जी आसी तो ऑप्शन टू इज ओके ठीक अच्छे तो आउ कौन जो वाइल्ड लाइफ क्राइम आरक हो जो इलीगल ट्रेड आरक होगा कमेपा कम कर तो आंसर कौन आपको बेसिकली ओनली टू हम ऑप्शन जो स्टेटमेंट वन अच्छी दैट इज रॉन्ग देखो ओके ये कम क्या सहित कम कर बेसिकली आयुषन सहित कम कौन दे आयुषन तो ये क्या सहित कम करे सॉरी कह जॉइंट प्रोग्रामा आपंकर WWF आउ कौन आयुषन मिसिकी ट्राफिकटा इनिशिएटिवटा स्टार्ट कर बुझी होना ना इज दैट ओके बुझीगे आउ कौन इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वेरी इंपोर्टेंट एटा गोटे एनजीओ ट्राफिकटा कौन एटा गोटे एनजीओ बुझिपारे आउ किसी दरकार ना राइट बढ़िया आकाश बुझीगला ओके देख नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन प्लीज कमेंट बॉक्स आंसर करेंगे सो दैट द क्लास विल बी मोर इंटरेक्टिव राइट ओके विथ रेफरेंस टू द कोरल रिप्स वेरी वेरी अगेन वेरी इंपोर्टेंट कोरल रिप्स क्वेश्चन आसो ही आसो बहुत इंपोर्टेंट आपको हाईली रेटेड करूँ कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल रिप्स को लेकिन आम कौन क्वेश्चन स्टेटमेंट देखा फर्स्ट कौन कौन कोरल रिप्स आर अंडर वाटर स्ट्रक्चर ओके ठीक अच्छे बढ़िया मेड फ्रम कैल्शियम कार्बाइड कौन कैल्शियम कार्बाइड सिक्रेटेड बाय कोरल से कौन कौन कोरल्स कौन कोरल्स आर एनिमल्स ओके बुझी हो तो
कौन सिक्रेट करते कौन कैल्शियम कार्बाइड सिक्रेट कर आउ कैल्शियम कार्बाइड जितने पाइल्स अफ होने कोरल रिफ्स बनाती कहते देखा आप आंसर करूँ मुझ आंसर कहि कोरल रिफ्स आर कॉलोनीज ऑफ टाइनी एनिमल्स ओके कह भी कौन कहते पॉलिप्स कहे फाउंड इन मेराइन वाटर्स दैट कंटेन फ्यू न्यूट्रिएंट्स ओके बुझी होचे कॉलोनीज था एक गोटे एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स कोरल रिफ्स रहती से क्या कहे नेक्स्ट कोरल रिफ्स आर फाउंड इन डीप सी नियर बाय कॉन्टिनेंटल सेल्स तो कॉन्टिनेंटल सेल्स नियर बाय रहते डीप सी मिलती बट कॉन्टिनेंटल सेल्स लगे थाती कहे थर्ड स्टेटमेंट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर गिवन करेक्ट ओनली वन टा गुड ठीक अच्छे ना दुईटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे ना तीन टा स्टेटमेंट ठीक अच्छे ना कोटा भी ठीक नुह आंसर करूँ इन द कमेंट बॉक्स प्लीज ओके ठीक अच्छे आंसर करूँ देख वन बाय वन कह फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट कहीं बिकॉज आके कैल्शियम कार्बाइड को नुह कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं बनती कैल्शियम कार्बोनेट मन रखे कौन कैल्शियम दिज आर व्हाट दिज आर कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट नॉट कैल्शियम कार्बाइड डिपोजिट इज दैट अंडरस्टूड फर्स्ट भूल गला सेकंड कोरल लिप्स आर कॉलोनीज ऑफ टाइनी एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे एनिमल्स सारक रहती इन मेराइन वाटर दैट कंटेन फ्यू न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली जदि एनिमल्स सारक होती न्यूट्रिएंट्स थी न्यूट्रिएंट्स नथले एनिमल केमिति बंची पारिबे ऑप्शन टू तो बढ़िया लगुच जनरलिस्टिक लगुच ऑप्शन टू सॉरी स्टेटमेंट टू इज ओके करेक्ट थर्ड कहे कोरल लिप्स आर फाउंड इन डीप सी नियर बाय कॉन्टिनेंटल सेल्फ ना कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स रे पाखरे रही पारिबे नाही बिकॉज देयर आर डिफरेंट कंडीशंस जो कंडीशंस अनुसार कोरल लिप्टा बने देखिबा कोन कंडीशन तो एटा कोन टिके दूर रे थांते फार बाय थांते नियर बाय हेबे तो ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट 3 इज आल्सो रॉन्ग गुटे स्टेटमेंट होला दैट इज ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट बुझी हला देखो स्टेटमेंट देखो बुझी जीवो आर एक्सप्लेनेशन देखिबा जोडा इंपोर्टेंट मु को देबी ओके वाटर कोरल लिप्स कोरल जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेटेड बाय कोरल्स कोरल्स कहाँ को लेकिन बनती देखो ओके कोरल लिप्स आर कॉलोनीज ऑफ टाइनी एनिमल्स फाउंड इन मेरीन वाटर दैट कंटेन फ्यू न्यूट्रिएंट्स ठीक अच्छे मोट कोरल लिप्स आर बिल्ड फ्रॉम स्टोनी कोरल्स ओके ठीक अच्छे देखो नेक्स्ट कोरल लिप्स आर ऑफन को आपको कौन नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आउ एटा आपन को नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो पारे व्हाट इज आपको कौन कहा जाए रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोली कहा जाए मत किए बुझे पारे कहीं आपको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोली कहा हो प्लीज प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स किए मत बुझे पारे कैन यू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाय कोरल लिप्स आर कंसीडर्ड एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ सी मुझे नेक्स्ट कह लिखुद ओके मुझे कहूनी ये जिन कहूनी नेक्स्ट कौन देखी देख तापर ओके ओके कंटिनेंट सब टे दूर था बुझी होचे ओके कहीं रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोली कहा जाए एंड व्हाय व्हाय एंड आगे क्वेश्चन पचारूँ व्हाय रेन फॉरेस्ट आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू आम कहीं रेन फॉरेस्ट को एत गुरुत्व दि जाए गोटे रेन फॉरेस्ट एग्जांपल दियो दिस इज योर पार्ट एग्जाम कमेंट बॉक्स रे होगा ओके आपको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोली कहीं कह बिकॉज़ आम जाने रेन फॉरेस्ट रे कौन रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट व्हाट मोस्ट सुइटेबल एनवायरनमेंट और मोस्ट सुइटेबल कौन आप कौन पचार एनवायरनमेंट दिए फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स टू ग्रो एंड रेन फॉरेस्ट सब अधिक डाइवर्सिटी था एनिमल्स मानकर फॉर एग्जांपल जदि कह अमेजन रेन फॉरेस्ट बुझी होची ओके तो जेहेतु कौन जेहेतु आम कोरल को कंसीडर करवा सी इकोसिस्टम देखा कि मेरीन इकोसिस्टम कंसीडर करवा कोरल्स आर को अर्थ दे अल्सो वर्क एज ए कौन गोटे इकोसिस्टम काम करती डिफरेंट डिफरेंट टाइनी एनिमल्स से आपको कौन भी कहा रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जदि देखा आंके पाखापाखि 0.1% ऑफ द वर्ल्ड ओशन सरफेस कोरल लिप्स आर को मात्र 0.1 एरिया कवर करती बट दे आर होम टू 25% ऑफ मेराइन ऑल मेराइन स्पीसीज जेहेतु जो इफ दे कंसीडर इफ दे ऑक्युपाई ओनली अबाउट 0.1% ऑफ द कौन मेरीन आपंकर सरफेसटा स्टिल दे कंटेन 25% ऑफ ऑल द मेरीन स्पीसीज बुझी हला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देख नेक्स्ट क्वेश्चन ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन आर नॉट करेक्टली मेस्ड विथ देयर थीम्स ओके कितना कन्वेंशन देखकर ऑब्जेक्टिव देखिए कन्वेंशन ऑब्जेक्टिव को मिसेबा जोड़ा ठीक नहीं ठीक करवा देखा फर्स्ट कौन रॉटरडम कन्वेंशन इट इज रिगार्डिंग हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स कह प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स आंसर जना ओके नेक्स्ट कौन कहे ओके ओके नेक्स्ट कौन कहे स्टॉकहोम कन्वेंशन फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हजार्डस वेट्स एंड देयर डिस्पोजल बुझी ना मत कह है तीन नंबर कौन कहे बेसल कन्वेंशन कहीं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव कहे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ए पीओपी विषय में फर्स्ट क्लास में सारी नेक्स्ट नगोया प्रोटोकॉल रिगार्डिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी तो कौन हम ऑप्शन वन एंड टू ठीक हम ना टू एंड थ्री ठीक हम ना थ्री एंड फोर ठीक हम ना वन एंड फोर हम जन मत प्लीज
डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके आकाश बी कहूछ निरोध प्रधान ओनली वन. ओके अपन प्रीवियस ऑफिसर प्रीवियस क्वेश्चन को जन आंसर देखो मु कहू छी एटी ना काटी देबा. अरे एटी नाउ ए भोलिया गलत ऑफिसर क्वेश्चन पड़थला अपन देखि थिबे दुटा स्टेटमेंट पड़थला. नाउ यू हैव टू प्ले द एलिमिनेशन गेम हियर. केमिति खेलबे मु कहू छी देखो एटलिस्ट गोटे ना किसी तो आइडिया थी कथ मुझे सारी कि स्टॉकहोम कन्वेंशन इट इज रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ताको हमें पीओपीज बोली कहू. तो टू तो आंसर हेनी टू कटिगला टू कटिगला बुझीगला. ओके नेक्स्ट आमर वन रहा थ्री एंड फोर रहा आउ वन एंड फोर रहा. तो ये तो आम जानगले कि जो फोरटा एज फोर ऑप्शन इज कॉमन इन बोथ द केस फोर इज द आंसर. आई मीन फोर इज द करेक्ट थिंग. तो ये जो फोरटा अच्छे ये ठीक अच्छे आम आमको तीन आउ वन विषय देखिपार वन कौन देती रोटरडम कन्वेंशन इट इज हाजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स बोली दोची. तीन कौन देती वेसल कन्वेंशन पीओपीज बोली कहूँ. मुझे कौन कहली आपने गोटे स्टॉकहोम रे पीओपीजा जानगले. तो ये जिनस तो आम तीन को भी करेंगे कहीं बिकज जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन दे आर रिलेटेड टू स्टॉकहोम कन्वेंशन. तो मुझे तीन को भी काटली आंसर कौन बचला वन एंड फोर. वन एंड फोर इज द आंसर दैट इज रोटरडम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू हाजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड दैट इज नगोआ प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी. इज दैट अंडरस्टूड इज दैट अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखो टिके देखीदेबा आर एक्सप्लेनेशनटा. ओके रोटरडम कन्वेंशन केबे साइन हेतिला बहुत बहुत इंपोर्टेंट 10 सेप्टेंबर 1998 डेट मने रखिबा इंपोर्टेंट नुह इयर मने रखिबा इंपोर्टेंट 1998 रे बुझियो छि कोठी रोटरडम. रोटरडम कोठी अछि गोटे शहर जोटा नेदरलैंड प्रेजेंट अछि. ओके आउ एबे एटा केबे टू रेटिफाई हला 2004 रु. एटा कोन इट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी ऑन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड. जतेबे आमे हजार्डस केमिकल्स आर को यूज करू छे व्हाट एवर जहां भी आमे हजार्डस पेस्टिसाइड्स आर को यूज करू छे इन एग्रीकल्चर और फॉर दैट मैटर इन डिफरेंट फील्ड देयर शुड बी रेगुलेशन एंड दैट रेगुलेशन इज रिलेटेड टू रोटरडम कन्वेंशन. स्टॉकहोम कौन मुझे कही सारी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मुझे कहूनी. द बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड इट इज कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल. एक्चुअली कौन मुझे कहूँ देख ओके डेवलप टू लेस डेवलप कंट्रीज इट डज नॉट हाउएवर एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट. यहाँ मन रख. ओके बेसल कन्वेंशन टी इंपोर्टेंट देखो कहीं इंपोर्टेंट मुझे कहूँ. एक्चुअली कौन होम जाने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिकल डेवलप कंट्रीज आर कहते डेवलप कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज एक्चुअली बुझी होना ना. ओके एक्चुअली आउ कौन हुए तो आम जिते भी हजार्डस केमिकल्स आर कहे मोस्टली कह जाए कि जो डेवलप कंट्रीज आर कहे ताकि यूज कर सारापर व्हाट एवर हजार्डस वेस्ट दे आर गेटिंग दे आर एक्युमुलेटिंग से कौन करते चला कि डेवलपिंग कंट्री को पठे दिखते किंवा डेवलपिंग कंट्री में डंप कर दिखती. और ये जो डिस्क्रिमिनेशन अच्छे ये डिस्क्रिमिनेशन अटकवाप कौन आसाला आपंकर बेसल कन्वेंशन. आ बेसल कन्वेंशन गोटे आउ गोटे बढ़िया जिस एडिशनल इनफर्मेशन आपड़ा गोटे कौन थे आप प्रायर कनसेंट थे प्रायर कनसेंट तार अर्थ कौन जदि गोटे कंट्री अलग कंट्री को किसी हजार्डस वेस्ट पठाऊँच देन जो रिसीविंग कंट्री तार कनसेंट दरकार कि तार अप्रुवल दरकार विदाउट अप्रुवल यू कैन नॉट सेंड. ओके से कहे आप बेसल कन्वेंशनटा. ओके बट आउ गोटे आर गोटे कौन लुफोल है बेसल कन्वेंशन रेडियो एक्टिव वेस्ट विषय में साइलेंट है कि अच्छी रेडियो एक्टिव वेस्ट को रेगुलेट करे ना बेसल कन्वेंशन. इज दैट अंडरस्टूड बुझिपारे. ओके नेक्स्ट. ओके बेसल कन्वेंशन कहे अगेन इट वाज इन 1989 बुझीगला. अच्छे आप नगोआ प्रोटोकॉल आपको आउ कौन भी कहुए नगोआ प्रोटोकॉल ऑल्सो नोन एज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी दैट इज सीबीडी बोली कहुए. केपे ओपन होता 1992 रे केबे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जहाँ आम कौन भी कहे रियो समिट रियो कि अर्थ समिट बोली कहे केबे 1992 रे रियो डी जेनेरियो दैट इज ब्राजिल रे बुझीगला. इज दैट अंडरस्टूड ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगेन गुड़े जिस कहूँ जदि आप ओपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दौंस एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट और लाइक वरीड अबाउट योर टेस्ट सीरीज एंड ऑल तो आम आपको सल्यूशन दौचे ऑनलाइन जो आप टेस्ट सीरीज ने इट इज अवेलेबल ओनली एट 1100 रुपीज बुझे जब आप ऑफलाइन हो 2099 रुपीज पे करवाक पड़ो आप कंप्रिहेंसिवली प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दे पारे फर ऑल द पीपल हू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन ऑन अक्टोबर 15 बुझे. ओके फॉर दैट मैटर आप पी आर री कोडा यूज करेंगे सो दैट 40% ऑफ पाई पारे बुझिपारे. ओके राइट नेक्स्ट देखो सेमती कौन आम ओमास टेस्ट सीरीज भी अच्छी आउ जो मैंने जहाँ को जदि फाउंडेशन बेस्टा दरकार फाउंडेशन कोर्स दरकार देन संभव 2.0 रे आप जॉइन करेंगे फाउंडेशन बेस यहाँ बुझेना बेसिक एनसीआर टू स्टार्ट करके आंसर राइटिंग मेंटरशिप 24/7 एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप कौन मेन टेस्ट सीरीज फ्री टेस्ट सीरीज एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन लाइक आप फ्री अवेलेबल कर.
ବୁଝିଅଛି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ଦାଟ୍ ମ୍ୟାଟର ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କ୍ଲାସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦାଟ୍ ବୁଝିହେଲା ଓକେ ଆଗେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ସେୟାର ଅମଙ୍ଗ ୟୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓକେ ଏନିୱେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଓକେ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ହୁଜ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋକେସନ୍ ଇଜ୍ କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ ଏ ଲିମିଟେଡ୍ ଏରିଆ ସେ କହୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ପିସିସ୍ ଆର ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ହିଁ ତାଙ୍କେ କନ୍ଫାଇନ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ହିଁ ତାଙ୍କେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ପିସିସ୍କୁ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହୁଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ରେୟର୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ହୁଜ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ସିଗ୍ନେଣ୍ଟଲି ଆଉ ରେୟର୍ ସ୍ପିସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଭଳିଆ ସ୍ପିସିସ୍ ଯାହାର ପପୁଲେସନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇସାରିଲାନି ରେଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇସାରିଲାନି ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ହୁଜ୍ ହେବିଟେଡ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଭର୍ଜ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅର୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ହେବିଟେଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହେବିଟେଡ୍ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଲିମିନେସନ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମାନେ ହଟିବାରେ ଲାଗିଛି ବୁଝିହେଲା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ହୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ କରେକ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଟୁ କରେକ୍ଟ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ନା ନିଦର୍ କରେକ୍ଟ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଆମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସେ ଓକେ ଆପଣ ହିଁ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଆର ଆନ୍ସର୍ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମୁଭ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ହିଅର୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ ଓକେ ନିରୋଜ ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଡି ଅଭିୟସ୍ଲି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନିରୋଜ କାହିଁକି ବିକଜ୍ କହିଲେ ବିକଜ୍ ଆନ କନଭର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଆଠ ଆର ହେବ ଆର ଆର ହେବ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ମୁଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କହୁଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍ ଆର୍ ଦୋ ସ୍ପିସିସ୍ ହୁଜ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟଲି ତ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ପିସିସ୍ର ପପୁଲେସନ୍ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ତା'ର ହେବିଟେଡ୍ ବହୁତ କ'ଣ ତାକୁ ତା'ର ହେବିଟେଡ୍କୁ ଆମକୁ କନଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍ପିସିସ୍ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପିସିସ୍ ବୋଲେ ରେୟର୍ ସ୍ପିସିସ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ରେୟର୍ଲି ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ କନ୍ଫାଇନ୍ ହେଇକି ଥିବେ ତାକୁ ରେୟର୍ ସ୍ପିସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ଓକେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ରେୟର୍ ସ୍ପିସିସ୍ର ଓକେ ନୀଲ କୁରୁଞ୍ଜି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମିଳେ ନୀଲ କୁରୁଞ୍ଜି କେଉଁଠି ମିଳେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ରେୟର୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଓକେ ଏନିୱେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଓକେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକୁ ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ୟୁପିଏସ୍ରେ ଥରେ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମେନି ଡେଜର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ଅ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପାଥୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନାବଲ୍ସ ଦେୟାର୍ ଷ୍ଟୋମେଟୋ ଟୁ ରିମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ମିନିମାଇଜ୍ ୱାଟର୍ ଲସ୍ ଥ୍ରୁ ୱାଟର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିପାରିବେ କ'ଣ ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆରକ ଡେଜର୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ତାକୁ ଜେରୋଫାଇଟିକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଦେ ଆର୍ ସର୍ଭାଇଭିଂ ଇନ୍ ଡେଜର୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାୟାର୍ ମଚ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ଏଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରକ ଥିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତାଙ୍କେ ବଡ଼ିଟା ୱାଟର୍ କନଜର୍ଭ କରିପାରିବ ଫର୍ ଦ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଆମର ଓଟର୍ ଥାଏ କ୍ୟାମେଲ୍ ଥାଏ ଓକେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମେନି ଯେଉଁ ଡେଜର୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଥୱେଟା ଥାଏ ଓକେ ବୁଝିହେଉଛି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାଟାଟା ଯେଉଁଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ ହୁଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ ତ ସେ କହୁଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ କହୁଛି ନା ଡେ ଟାଇମ୍ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓକେ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋମାଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ରହେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ୱାଟର୍ ଲସ୍ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଇଁ ବୁଝିହେଉଛି ଓକେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ କ'ଣ ବେସିକାଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାଟର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋସେସ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଏନଭରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଇନ୍ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏରିଆ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏରିଆରେ ତ ବଡ଼ି କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ସ ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବାଇ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଦ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏଫିନିଟି ଅଫ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଏରିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେହେତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅବିୟସ୍ଲି କମ୍ ଆପଣ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟା କମି କମି ଯିବ କ'ଣ କହିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟା କମି କମି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କହେ ତ ବଡ଼ିର ରେଡ୍ ସେଲ୍ ରେଡ୍ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଦିଏ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏଫିନିଟି ଥାଏ କିମ୍ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଏଫିନିଟି ଥାଏ ତାକୁ କମେଇ ଦିଏ ବୋଲି କହୁଛି କମେଇ ଦିଏ କହୁଛି ନା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହଁ କମେଇ ଦିଏ ବୋଲି କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରଖିବେ ଗଲାଥର ଓପିଏସ୍ସି ଫିଲ୍ମସ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ଏଇଠି ହିଁ ଠକେ ପଡ଼ିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ହୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଇନକରେକ୍ଟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ କରିବେ ଇଏଠି ଆପଣ କେଉଁଠି ଆନ୍ସର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଦେବେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କରେକ୍ଟ ଇନକରେକ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଲ୍ ଭୁଲୁ ଦେବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ମାଇଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଆରେ ଇନକରେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ନା କରେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି ବୁଝିହେଉଛି ଓକେ ଆନ୍ସର୍ କର କ'ଣ ପଚାରିଛି ଇନକରେକ୍ଟ ପଚାରିଛ ଓକେ ଇନକରେକ୍ଟ ଦେଖ ବୁଝିହେଲା ଏନିୱେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କିଏ ଦେଇଛି ଆକାଶ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନକରେକ୍ଟ ପଚାରିଛନ�ରାଇଟ୍
ओनली वन देख एक्चुअली कौन हम डे टाइम किसी कौन गला ओके ड्यूरिंग नाइट टाइम किसी कम ना ये जो प्रोसेसटा कहे ना ये डे टाइम हम ये जो प्रोसेसटा कहे डे टाइम हम बुझे कौन हम डे टाइम हम एक्चुअली आप देखिए जो जेरो फाइटिंग प्लांट सार कहता है कंटा जितियों जो आप प्लांट बोली कहीपर तर क्यूटाइकल सार कहता है कौन कहुए जो कंटा टाइप क्यूटाइकल्स कह जाए आज क्यूटाइकल सार को हेल्प करती वाटर को कंजर्व करेंगे सो दैट कि कम वाटर में बची पारे इन डेजर्ट काइंड कंडीशन ओके तो ऑप्शन वन ही गोटे करेक्ट सॉरी इनकरेक्ट अच्छे तो आंसर विल बी ओनली वन एटा ठीक अच्छे नॉर्मल बुझी हला ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट साइंस एंड टेक रु बढ़िया क्वेश्चन अच्छी ओके क्वेश्चन कौन कौन क्वांटम डॉट्स क्यूडीज कहा जाए दिज आर मैन मेड नैनो स्केल क्रिस्टल दैट कैन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स ओके इलेक्ट्रॉन को कौन करेंगे ट्रांसपोर्ट करेंगे पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम डॉट्स रो पोटेंशियल एप्लीकेशन कौन कौ कौ फिल्टर आम क्वांटम डॉट्स को यूज करा सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांजेक्शन ट्रांजिस्टर एलईडीज यूज करा ना सोलर सेल्स रे ना सेल बायोलॉजी रिसर्च तो आंसर कौन हम वन टू थ्री हम टू थ्री फोर हम वन थ्री फोर हम ना ऑल ऑफ द अबव आंसर कह प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स ओके बढ़िया आंसर कहले मुझे आपको गोटे बढ़िया ट्रिकटे कौच देख जिते भी एमर्जिंग जिते बिल भी क्वेश्चन पचार रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौ टेक्नोलॉजी एमर्जिंग जोटा कि नुआ रिसर्च नुआ फिल्ड न्यू रिसर्च फिल्ड को जब कह क्वेश्चन पचार अलवेज रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज ऑल अबाउट द अबव ओके 90% ऑफ द केस अधिक कह 90% ऑफ द केस ऑल ऑफ द अबव कहीं बिकज आम जितने नुआ आम जितने नुआ रिसर्च करुचे नुआ फिल्ड को लेकिन रिसर्च कर नुआ साइंटिफिक डिस्कवरीज को लेकिन रिसर्च करुचे वी डोंट नो द लिमिट बुझुचे आम लिमिट जाने बिकज से जो जिनसा आम कथ हो डिफरेंट डिफरेंट फिल्ड एप्लीकेशन हो पार एप्लिकेबिलिटी हो पार से मोस्ट ऑफ द केस ऑल ऑफ द अबव आंसर भी बुझे तो जो क्वांटम डॉट्स विषय में कहे आईटा भी आम कौन सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज कर पार एलईडीज सोलर सेल आउ सेल बायोलॉजी रिसर्च में यूज कर पार और देख एक्सप्लेनेशन बुझी बुझिपार देख क्वांटम डॉट्स कौन सर क्वांटम डॉट्स दिज आर नथिंग मोर व्हाट सेमीकंडक्टर जब सेमीकंडक्टर पार्टिकल कहे तो अवश्य आम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाऊ एलईडी यूज कर पार बुझे ओके जो नैनोमीटर साइज था सैज बहुत कम था हैविंग ऑप्शनल ओके एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज तांको जे तांकर कोन ऑप्टिकल आउ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज छ तो विजिबली भी आम यूज कर पारबा इलेक्ट्रिकली भी तांको आम यूज कर पारबा एति की जान थाउ बुझियो छ एंड दीज आर व्हाट पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अगर मु क्वेश्चन पचारु छ कमेंट बॉक्स रहंतु क्वांटम मैकेनिक्स रो जो अपनो बेसिक यूनिट था को कोन बोली कहा जाय ओके एति की आउ किछि दरकार नै सब सबूत यूज कर पारे देखो ट्रांजिस्टर सोलर सेल एलईडीज लेजर सिंगल फोटोन सोर्स ओके हार्मोनिक जनरेशन एनीथिंग दे कैन बी यूज इन डिफरेंट डिफरेंट फिल्ड यूज हो पारे ओके अधिक भितर को जी ना नॉट नेसेसरी नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन कौन पचारू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड बाय वायरस ये जो डिजीज आर को देछि को डिजीज आर को वायरस द्वारा हुए बढ़िया आकाश आकाश ही इज पार्टिसिपेटिंग वेरी ईगरफुल ईगरली बढ़िया थैंक यू देख सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ताको सार्स बोली कहा जाए जहाँ पार्ट है आपंकर कोविड 19 ओके नेक्स्ट डिसेंट्री टाइफॉइड इन्फ्लुएंजा क्वेश्चन कौन पचारू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड बाय वायरस वायरस कौ क्या कि वायरस हुए टू एंड फोर ना टू एंड थ्री वन एंड फोर ना वन एंड थ्री इजी क्वेश्चन आंसर कर कमेंट बॉक्स में टाइफॉइड कौन इट इज ए बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज कौन बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज ओके बैक्टीरिया ना कौन सेल्मोनेला टाइफी सेल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड तो हवा ना थ्री कटिगला फोर फोर कमन अच्छे टू ना वन आम वन अलरेडी जानचे कोविड 19 भाइरस आंसर हम कौन वन एंड फोर बुझेगा ना नहीं इज दैट अंडरस्टूड टी एक्सप्लेनेशन देखे देख जमी से कौन कौन जमी कौन आपर कमन कोल्ड थाए आम जो थंडा कौन भाइर भाइराल डीज होना बोलो कहूँ आम भाइराल फिवर ही जाए सो कमन कोल्ड होगा इनफ्लुएंजा फ्लू भी कहे जो कफ आरक था मोस्टली भाइरस द्वारा होती सार्स होगा पोलियो भाइरस चिकेन पक्स भाइरस दिज आर कॉज्ड बाय वायरसेस जमी आप डिसेंट्री होगा मलेरिया दिज आर कौन दिज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇଜ୍ କଜ୍ ବାଇ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ଓକେ ୱେରେଜ୍ ଓକେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମସ୍କିଟୋ ଅଛି ମସ୍କିଟୋ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ଅନୁସାରେ ଖାଲି କାମ କରେ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ୱେରେଜ୍ ଟାଇଫଏଡ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବର କ୍ଲୋସିସ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ କଜ୍ ବାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜେସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଓକେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହ୍ୟାଡ୍ ଡିସାଇଡ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ବାଇ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ କିମ୍ବା 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଲିଭ୍ କରିଯିବ ବୋଲି କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିସିଜନ୍ ନେଇଛି କାନାଡ଼ା ରଷିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଓକେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ସେୟାର୍ ଇଟ୍ସ ଅମଙ୍ଗ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଓକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡିସ୍ଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ ୟୁ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଓକେ କାନାଡ଼ା ରଷିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ ପାଇଁ ରଷିଆକୁ ହିଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରଷିଆ ଆର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଓକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି ଏଟା କେବେ କୁହାଯାଇଥିଲା 1998 କୁହାଯାଇଥିଲା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି କରିଥିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରଷିଆ ୟୁଏସ୍ ହେଇଗଲା ଯେମିତି କାନାଡ଼ା ଜାପାନ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା 11 ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମିଶିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଗେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଜେନେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଓକେ ସରି ଭେରି ସରି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିସ୍ପର୍ କାସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓକେ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି କ୍ରିସ୍ପର୍ ଦେଖ ଜେନେଟିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ କଜିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଆଲ୍ଟର୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଦେମ୍ ଇନ୍ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡିଜିଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସଅର୍ଡର୍ ଇନ୍କ୍ଲୁଡିଂ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ କଜ୍ଡ ବାଇ ଏନ୍ ଅନ୍ଡିଜାୟାର୍ଡ ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫିକ୍ସଡ୍ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଜିନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଡିଟେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଏଡ୍ କ୍ରପ୍ସ ଜିଏମ୍ କ୍ରପ୍ସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଟିକେ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିସାରିଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଦ ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବଭ୍ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେତେ ବି ଆମର ଡିଜିଜ୍ ଫିଜିଜ୍ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟଲି ଜେନେଟିକାଲି ଇନହେରେଣ୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜେନେଟିକ୍ର ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ଯେମିତି କ'ଣ ବେସିକାଲି କ୍ରିସ୍କର୍ କାପ୍ କ'ଣ ଆକୁ ଆମେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଅର୍ ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପର୍ କାସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜିନ୍କୁ ଏଡିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଆମର ଡବଲ୍ ହେଲିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ୍ ଏମିତି ଅଛି ଆରେ ଭଲ ହେଇନି ଭାବିଦିଅ ଏମିତି ଅଛି ଜିନ୍ଟା ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ସପୋଜ୍ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସପୋଜ୍ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟଟା ଭାବିନିଅ ଆର ପେନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଓକେ ସପୋଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟଟା ସପୋଜ୍ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଏଇ 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 ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସପୋଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏଇ ପରସେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର୍ କଜିଂ ଜିନ୍ଟା ଅଛି ତ କ୍ରିସ୍ପର୍ କାସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନ୍ ଏଡିଟିଂରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟଟା ଅଛି ଆମେ ଆକୁ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିବା ଆକୁ ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେଇପାରିକି ନୂଆ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ନଥିବା ଟାଇପ୍ର ଜିନ୍କୁ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛି ତ ଅବିଅସ୍ଲି କ୍ୟାନ୍ସର୍ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଇଟା ସୋ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବଭ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବଭ୍ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଓକେ ନାଓ ଏଗେନ୍ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଆଇ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଆଇ ଓକେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୁପର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ତା'ର ନାଁ ଦେବେ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ଇଜ୍ରାଏଲ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି ଦିଆଯିବ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ସାମସଙ୍ଗ ଏନ୍ଭିଡ଼ିଆ ଆଇଏମ୍ଡି ନା କ୍ୱାଲକମ୍ ଓକେ ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ଏନ୍ଭିଡ଼ିଆ ଏନ୍ଭିଡ଼ିଆ ବୁଝିହେଉଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଓକେ ବଢ଼ିଆ ଏଗେନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଫିଜିବଲ୍ ହେଉନି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଫର୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡି ଫୋର୍ ଆର୍ କ'ଣ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଫର୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ନାଁରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆନ୍ସର୍ ନାଁରେ ହିଁ ଦେଖ ଓପନ୍ ସିନ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଫର୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଜଣାପଡ଼େ ତ ଏଇଟା କାହାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଫର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ପିପୁଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେସ୍ ବାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବାଇ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଫର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ଦ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍
इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रोवाइड स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू ट्राइबल पीपल. और गुड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए टूल दैट एड्स इन एग्रोफोरेस्ट्री एंड सिस्टमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ द इकोसिस्टम. आंसर कौन हम ओके कौन हम आंसर जना मत. ओके बढ़िया. कौन देखिए देख ना ही डायवर्सीटी अच्छे सब मन सब कौन एग्जाम प्रिलिम सीजन आठ लिटरली क्लीयरिंग प्रिलिम सीजन आठ. ओके से टाइम आपर माइंड में खाली पढ़ले भी प्रिलिम्स क्लीयर हेनी कि खाली हजार बुझे ना नहीं तो आप द अमाउंट ऑफ कूलनेस यू आर बीइंग एबल टू मेंटेन इन द क्लासरूम दैट मैटर्स सॉरी इन द एग्जामिनेशन हॉल दैट मैटर्स बिकॉज आपत जिते भी पढ़ु लिटरली मार्क माई वर्ड जिते भी प्राक्ट करूँ परफेक्टली जब कह आपको 35-40 क्वेश्चन ही परफेक्टली आसो जब कहूँ परफेक्टली आम जो कह जाए जो बहुत बढ़िया पड़ो आफ्टर व्हाट एवर जो क्वेश्चन सार कह आउ ये भी कौन 40 ये नुत क्या 40 ही ठीक है मे भी कैटा भूल भी हो बुझे तो आप भावतु जब 30 भी आप परफेक्टली आसूस देन यू आर लाइक बहुत बढ़िया कर देखते बाकी जहाँ क्वेश्चन आप करेंगे से आपको कमन सेन्स यूज करा पड़ो एंड योर व्हाट एवर इनफर्मेशन यू हाव स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड से जिनको आप यूज करके ही आंसर करेंगे बुझेगा. ओके ओके सो आंसर इज इट इज ए टूल दैट एड्स इन एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सिस्टमेटिक रेस्टोरेशन ऑफ द इकोसिस्टम. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके आउ जहाँ भी ट्रेक आर आसू थो मुझ एग्जाम क्वेश्चन करला आप बताऊ थी बेला नाउ वेरी वेरी इंपोर्टेंट दे आर इज कलेक्ट कनसेप्ट कनसेप्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ई सारस मोबाइल एप. ई सारस मोबाइल एप गोटे मोबाइल एप अच्छे तार ना है ई सारस कौन कहे देखा. इट हाज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दैट इज MoRDA इन इंडिया. ठीक अच्छे. इट इज एन ई कमर्स प्लाटफर्म फर मार्केटिंग प्रडक्ट्स मेड बाई वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप. ओके ठीक अच्छे. द फाउंडेशन फर डेवलपमेंट अफ रूराल वैल्यू चेन दैट इज FDRVC इज रेस्पनसबल फर द इम्प्लीमेंटेशन अफ दिस एप. सो विच अफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ओनली वन करेक्ट ओनली टू ओनली थ्री ना नोन कमेंट करूँ आंसर बक्स सरी आंसर करूँ कमेंट बक्स. ओके देखो ऑल द थ्री आर करेक्ट ऑल द थ्री आर करेक्ट हैला सॉरी ऑल द थ्री आर करेक्ट बुझे. ई सार सब कौन बेसिकली आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करुच लॉन्च कर बेसिकली एम कौन है आर एम है तो आम जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप सार कहते बेसिकली व्हाट एवर प्रोडक्ट्स दे आर ताकि जहाँ भी लोकली जो प्रोडक्ट सारे मैन्युफैक्चरिंग करती से प्रोडक्ट को आम कौन कर डिजिटलाइज करवा अधिक स्प्रेड करवा आम मार्केट वायबल करवा. ओके से कौन कर गाँ जो रूरल जो लोकल लेवल रे कौन कर फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन क्रिएट करा सो दैट को हमें वैल्यू चेन बढ़े वैल्यू चेन मैंने कौन तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया को हमें कनेक्ट करवा जब कनेक्ट करवा जेन व्हाट एवर प्रोडक्ट वी आर मैन्युफैक्चरिंग गोटे प्रोडक्ट अलग पार्ट को जापर थ्रो रेल नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेबल नेटवर्क है आपको रेल है कि रोडवेज है वाटरवेज है जहाँ भी कौन भी कहते वैल्यू चेन भी कहुए बुझेगा. ओके नेक्स्ट देख सामान आउ किसी ना ही ठीक ही सब. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन टे बढ़िया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन गोटे स्टेटमेंट देती और स्टेटमेंट कौ जगह को लेकिन पचारूँ स्टेटमेंट कह इट इज सिचुएटेड इन हिमालयस. ओके हिमालयर अच्छी केते एलिवेशन पाखापाखि 4350 मीटर रे एटा गोटे लेक आउ ए लेक कौन इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फर माइग्रेटरी स्पीसीज माइग्रेटरी बार्ड. ओके मेकिंग इट अ पैराडाइज फर बार्ड वाचर्स जो मैंने बार्ड वाचर्स आर जो मैंने बार्ड देखा भल लगे कि फॉलो करते जो जगह गोटे पैराडाइज. The catchment area surrounding the lake is home to various wildlife species including marmots and kyangs. ताको wild asses बोली कहा जाए. This is a long narrow lake stretching approximately 134 kilometers in length. Okay, it is one of the largest high altitude lake in India. So ये जो paragraph रचे तो कौन lake क्यों कहो ची? Pangong So Lake, Dal Lake, Chandra Tal Lake ना Tilichu Lake. Answer को ही ले. क्लास भल लगुच ना ना बुझे ना ना क्लास एग्जाम पर रिलेवेंट लगुच ना ना जन कमेंट बॉक्स रे क्लास कंटिन्यू करवा तो ये क्लासटा. ओके आकाश कौन पैंगंग सुले ओब्वियसली ये पैंग देखले ही जना पड़ू यार हिमालय कौटा अच्छे आउ किसी आर किसी ना दल लेक्र काम ना पैंग दल लेक भी कौन वैलीटा तो कम एलिवेशन रोक
एलिभेसन कैसे कौन 4350 मीटर कौन बुझी हूँ आ एक्सप्लेनेसन आज किसी जी ना। नेक्स्ट देख नेक्स्ट क्वेश्चन सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इट इज ऑफन सीन इन न्यूज। तो ये जोटा ये कौ कौ स्टेट भितर अच्छी सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हरियाणा राजस्थान उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब। सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया न्यूज अच्छे ये ओके। तो आंसर इज बेसिकली हिमाचल एंड पंजाब। कौन हिमाचल पंजाब आउ कौन चलती कंटेसन चलती बुझी हूँ ना मधे डिस्प्यूट भी चलती आपको नहींक क्या नहींक आप सनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नहीं कौन यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट अच्छे कौटी हिमाचल प्रदेश में बुझी हूँ ना नहीं ओके राइट ओके आउ किसी दरकार ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारे हिस्ट्री क्वेश्चन आसा देख बढ़िया क्वेश्चन टे। तो चोला इनस्क्रिप्शन मेनसन सेवेराल कैटेगरीज जी आप चोला साम्राज्य विषय में पढ़ते चोला साम्राज्य कौन जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड सार कथ डिफरेंट टाइप लैंड को डिफरेंट नाम नामित करके डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंड कौन हेड बीन नेम्ड इन ए डिफरेंट वेज ओके। तो से कौन से अनुसार विथ रेस्पेक्ट टू दैट स्टेटमेंट देयर इज अ नेम कौन वेलन बेगाई कौन वेलन बेगाई। तो वेलन बेगाई वाज रिलेटेड टू व्हाट लैंड फॉर अ फेलो कल्टिवेशन डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस ओके बिलोंग टू द नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्रिएटर्स ना गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल स्कूल कौन हम वेलन बेगाई ओके आंसर कौन हम आंसर हम इट बिलोंगिंग टू अ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्रिएटर्स जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट सार करते जो प्रिपेयर्ड थे कौन भी कहला वेलन बेगाई भी कहला बढ़िया ये देखिदे ये देखिदे ओके। ब्रह्मदेव मैंने कौन ब्रह्मदेव मैंने कौन जो जो लैंड ब्राह्मण मानक दान दिखाला कौन भी कहला ब्रह्मदेव भी कहला वेलन बेगाई तो कहली साल भोग मैंने कौन लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल जो जो लैंड जो लैंड को डोनेट कराला स्कूल बनवाई स्कूल मेंटेनेंस में साल भोग भी कहते हैं ओके। नेक्स्ट देवदान तापर तिरुनमा टुकनी आपको कौन लेफ्ट गिफ्टेड टू टेम्पल्स देवदान देव मैंने भगवान भगवान को जो लैंड जी आम टेम्पल को जो लैंड देखा देवदान कहला आउ ओके बुझी हूँ ना नहीं पल्लीच्छादम बोले कौन जोटा कि जैन इंस्टीट्यूशन सार को दिखाला पल्लीच्छंदम कहला बुझी ओके। नेक्स्ट देख वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ग्रेट पॉइंट आम थे जयदेव ओके से पचारूँ जयदेव ओडिशार कौ डायनेस्टी टाइम फ्लरीश करते गजपति डायनेस्टी गंगा डायनेस्टी भई डायनेस्टी ना करानी डायनेस्टी कमेंट 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 करो ओके। द ग्रेट पॉइंट जयदेव फ्लरीश ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ व्हिच इन इंडिया व्हिच कहा डायनेस्टी रे कहा डायनेस्टी टाइम रे ओके गंगा डायनेस्टी कहा टाइम रे गंगा डायनेस्टी आसल मन रखा आम जमी कौन था गोल्डन आम जो गोल्डन पीरियड था जमी इंडिया आम इंडियान हिस्ट्री गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड बोली कहे कि गोल्डन एज बोली कहे ओडिशा हिस्ट्री गंगा डायनेस्टी कौन भी कहुए गोल्डन एज बोली कहुए गोल्डन पीरियड इन ओडिशा हिस्ट्री गोल्डन पीरियड इन ओडिशा हिस्ट्री कहीं बिकज ड्यूरींग दिस डायनेस्टी ओडिशार जो माइटा समस्त रियलाइज कर पार्थिले विथ रेस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर विथ रेस्पेक्ट टू साइंटिफिक इनोवेशन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेड विथ रेस्पेक्ट टू एरिया एक्सपेंशन एंड ऑल गंगा डायनेस्टी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग बुझी हूँ ना आउ विथ रेस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर है कि टेम्पल आर्किटेक्चर सब सब क्षेत्र में से गंगा डायनेस्टी गोल्डन पीरियड इन ओडिशा हिस्ट्री ओके। नेक्स्ट ओके ये केवे जो तो यहाँ 12th सेंचुरी आउ किसी दरकार ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर इन 1764 के 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट बहुत बढ़िया देख एक्चुअली कौन होता है बैटल ऑफ बॉक्सर है बैटल ऑफ बॉक्सर पहले जब हारी गल ब्रिटिशर मैंने जीतले ब्रिटिशर मैंने कौन कले कि गोटे रेसिडेंट जो इंडियन इंडियन स्टेट सार करता से गोटे रेसिडेंट अपॉइंट कले आ रेसिडेंट किए हम से ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे ऑफिशियल हम कि गोटे रिप्रेजेंटेटिव हम ओके जमी एम्बेसडर था से भाया तो से किए थे दे हेड्स ऑफ कंटिंजेंट आर्मी यूनिट प्लेस अंडर द सब्सिडरी अलायंस ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट कौन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल
पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट ऑफ कंपनी इन द स्टेट ना एक्स गवर्नर ऑफ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी हु कंट्रोल द स्टेट प्लीज आंसर करंतु कमेंट बॉक्स रे बढ़िया क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कमेंट करंतु ओके देखो बेसिकली देवर व्हाट देवर अ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट कहार थिले ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन है ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने बॉटल ऑफ बॉक्सर जीतने गोटे रेसीडेंट अपॉइंट कले आउ जितने से रेसीडेंट अपॉइंट कले बेसिकली से इनडायरेक्टली कौन कले जो 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 स्टेट था प्रिंसली स्टेट था कि स्टेट था तार इंटरनाल आउ एक्सटर्नल अफेयर्स को कंट्रोल करिवर स्टार्ट कले से कौन रिप्रेजेंटेटिव गोटे पठेले और से रिप्रेजेंटेटिव पठेले से तार बहुत पॉलिटिकल पावर भी था आउ कमर्शियल पावर भी था अर्थ कौन जो स्टेटा अच्छे से कौ स्टेट सहित कौन कर ट्रेड कर कौ स्टेट कौ कौ टाइप ऑफिशियल अपॉइंट कर सब किए डिसाइड करुले कि क्या सहमति होता आंकर ये जो रेसीडेंट सहमति बुझे हो तो इट वाज फॉर ग्रेटर कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ब्रिटिशर्स बुझे हो आ कि नाई रे हला नेक्स्ट बुझे ना नहीं क्वेश्चन सर्व केमी आज जनइल क्वेश्चन सर्व केमी आज जनइल आकाश ओके एनीवे बुझे अगेन मुझे कहूँ जो आप प्रिलिम्स दौरान टेस्ट सीरीज दरकार दिस इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज यू कैन फाइंड इन द मार्केट राइट बुझे ओके अगेन जो मैंने भी नुआ प्रिपेरेसन करुँचि बढ़िया गाइडेंस दरकार ये जो संभव 2.0 अच्छे जो मैंने 2024 प्रिपेरेसन कर प्लीज जॉइन इट ओनली इन 20,000 से आपको ओएस कोड यूज करवाक पड़ो बुझे आउ कौन टेलीग्राम जॉइन करो ये जो क्लास आर आम करुचे आ गए कमेंट बक्स जन सेल्वी कंटिन्यू दिस क्लास भल लगे ना नहीं क्वेश्चन सर भल लगे ना नहीं प्लीज जनइल ओके एंड वन थिंग आई कैन एश्योर कि जो भी कनसेप्ट सारक पढ़ा हो लिटरली दिज आर हाई लिंक टॉपिक्स सारक हाई यील्डिंग टॉपिक्स बहुत बाचिक क्वेश्चन सारक अणा होती आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स सारक रिविजन हे बुझी होना ना थैंक यू आकाश आकाश कहते बढ़िया क्वेश्चन बोली ओके अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन लेट मी रिमाइंड यू गाइस बिफोर लाइक साइनिंग ऑफ आवर क्लास ये जो ओपीएससी प्रीलिम्स बुक एटा बुस्टर बुकटा ये कौन अच्छे मुझे कहली 2015 रु प्रीफेसर क्वेश्चन अच्छे ओपीएससी विथ ग्रेट एक्सप्लेनेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन अपार्ट फ्रॉम दैट तो 10 सीरीज आपको मिले फुल लेंथ टेस्ट 10 मिले अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग दैट दिस वन 10 आपको कौन मिले ओएमआर सीट मिले जो आप घर बसिक भी जो एग्जाम देला भले एनवायरमेंट इफ यू वांट टू फिल देन आप ओएमआर सीट दे पारे बुझी हो ना ओके बुझी होती तो आप ये कौटी पाइपर इधर आम आप ऑफिस रे आसिक बुक पाइपारे अदरवाइज आप डिफरेंट डिफरेंट बुक स्टोर में आर पाइपारे बुझी होती बुकटा देखिले ओपीएससी बाय एजुकेशन ओपीएससी प्रीलिम्स बुस्टर बाय एजुकेशन बहुत मेहनत कराई प्लीज लाइक आर आप एडवांटेज नि बिफोर योर एग्जाम आउ कहार किसी क्वेरी अच्छे कि प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स क्वेरीजा जन आपर कहार किसी इश्यू अच्छी क्लास केमती लगुच व्हाट अबाउट द एक्सप्लेनेशन एंड ऑल मुझे एक्सप्लेनेशन जोड़ा दरकार से ध्यान दूँ जोड़ा दरकार नहीं ध्यान दूनी कहीं बिकज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम राइट ओके थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास काले पुणी ए टाइम रे जॉइन हो जीवे ओके बुझीला ओके ठीक अच्छे ठीक अच्छे थैंक यू एवरीवन थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास सी यू इन द नेक्स्ट क्लास राइट थैंक यू